नमस्कार, मैं विजय प्रजापति, स्काई न्यूज चैनल आठनेर से बोल रहा हूँ। हमारे साथ में नितेश जी है, नितेश पंडागरी जी। हम इनसे अंबा माई के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। पंडागरी जी ये बताए कि धारू अंबा माई से आपकी क्या आस्था है? हमारी तो उससे यह आस्था है कि भाई कि वहाँ जो धार्मिक कार्य है वहाँ हमेशा होना चाहिए जी, जो भी रहे भक्ति भाव सदा बना रहे, लोगों का सहयोग मिलता रहे। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, 7 दिसंबर 2015 की रात्रि को चोरी हुई थी और हम स्काई न्यूज के माध्यम से उसी का खुलासा करना चाह रहे हैं, और आप माता के एक भक्त हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो मतलब जो भी चोर लोग हैं उनको सजा मिलना चाहिए जी, जो भी, क्योंकि एक एक हिसाब से भाई हानि हुई है रोगी माता जी के मंदिर में, तो इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और चोरों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आप अंबा माई कितने दिन में पहले गए थे? मैं ये गया था मतलब 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले, तब से नहीं गए हो, यानी कि आप अंबा माई चोरी होने के बाद से अभी तक के वहाँ नहीं गए हो? नहीं, मैं मतलब यानी कि बाद में भी गया था, जैसे चोरी हो गई थी उसके बाद भी गया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि भाई वहीं पे है, पर उसका कुछ ज्यादा पता लगा नहीं अभी तक भाई, उसकी जांच पड़ताल ही नहीं हो पाई, तो अभी तक पता ही नहीं लगा कि है कहाँ गया। अच्छा, अभी हमारे स्काई न्यूज चैनल को क्या बताना चाह रहे हो इसके माध्यम से? मैं तो यह बताना चाहूंगा कि भाई जहाँ भी है जो मुकुट वगैरह जो भी जेवरात चोरी हुई है वो उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए, और जैसे जो भी पुलिस वाले है या कोई भी है अधीक्षक वर्ग, उन्हें सहयोग करना चाहिए जी। ठीक है भाई।